मफहूम है, बारिश नहीं बरसी। तो सारे लोग फिरौन के पास आए, उन्होंने कहा भाई अना रब्बुकुमुल आला, तू रब है, दावा भी तू रब्बे आला होने का रखता है, तो बारिश बरसा, बारिश क्यों नहीं बरसा रहा। उसने कहा अब तो तुम चले जाओ, कोई मसला है, अब नहीं बारिश आएगी, बहरहाल थोड़ी देर तक बारिश आ जाएगी। देखा उसके पास ना ऊन का लिबास था, जो अल्लाह के दोस्तों का लिबास है, सूफियों का लिबास। उसने वो लिबास लिया और दूर किसी वीराने में चला गया। उसने ना वहां जाके वो अपनी शाही पोशाक उतारी और वो ऊन का लिबास पहन लिया और वो मट्टी पे सर रख के कहता है मनु पता है रब तू ही मैं बारिश नहीं बरसा सकता, बारिश तू ही बरसाएगा। अब जो भी है मैं आ गया और मुझे खाली ना लौटा। लिखा कि फिरौन के वापस पहुंचने से पहले पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। फिरौन, हजरत फिरौन उतना करीम रब है, इतना करीम है। तुम तो सारे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत ही बैठे, तुम्हारे पास तो टैग ही बहुत बड़ा है। हाँ, तुम्हारे पास तो टैग ही बहुत बड़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हारे पास तो टैग ही बहुत बड़ा है। जो होता है ना वो आया वो आया वो आया, ठीक है, तो जब वो आया तो फिर वो क्या कहता हो, ध्यान करी फलाने का भेजा है। तो तुसी होना दे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और तुम तो वो कि नबी मांगते रहे या अल्लाह ये उम्मत हमें दे दे, कदर ही नहीं अपनी की इधर, हमने खुद ही अपनी बेकदरी की इधर। इसीलिए तो इकबाल कहते अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, क्या कर रहा है देख अपने आप को, तू मुहम्मदी है मुहम्मदी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं या अल्लाह देखना है, फरमाया मेरे करीम तू नहीं देख सकता। और एक मुहम्मदी का दावा सुनो, वो क्या कहते हैं, यार को हमने जा बजा देखा हजरत है।